टी20 वर्ल्ड कप में हार मिलने के बाद से कई सारे लोगों के मन में यह सवाल था कि क्या भारतीय टीम बदली जाएगी, क्या नए प्लेयर्स जो हैं उनको मौका दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि श्रीकांत सर, जो कि पूर्व चयनकर्ता भी हैं 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य भी हैं, उनका एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अब तो चेंजेस जरूरी है और उन्होंने कहा कि कप्तान जो है वो हार्दिक पांड्या को ही होना चाहिए, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि भाई हार्दिक पांड्या को आप 2024 के लिए कप्तानी दे दो, यानी कि रोहित शर्मा से T20 फॉर्मेट की कप्तानी लेने के पक्ष में वो भी है। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वो ये है कि यंगस्टर को मौका देना है और जो तैयारी है उसकी शुरुआत आपको न्यूजीलैंड सीरीज से ही करनी पड़ेगी, यानी कि जो 2024 वर्ल्ड कप की तैयारी है उसकी शुरुआत आपको न्यूजीलैंड सीरीज से करनी पड़ेगी, यानी कि 1.5 साल 2 साल पहले से आप तैयारी करते हैं। ये श्रीकांत सर का बयान आया और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि जब 2011 में भारतीय टीम चैंपियन बनी थी उस समय अगर आप देखेंगे तो वो चयन करता थे और महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी कर रहे थे, तो उन्होंने भी तैयारी 2009 से ही शुरू कर दी थी। तो बिल्कुल उन्होंने यही बात कही है कि आपको अगर 2024 के वर्ल्ड कप को फोकस में रखते हुए अपने टीम को तैयार करना है तो इसके लिए आप सीरियस हो जाइए न्यूजीलैंड सीरीज से। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले सीरियस होंगे और आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, और शायद इसीलिए श्रीकांत सर का मानना है कि हार्दिक पांड्या को आपको फुल टाइम कप्तानी देनी चाहिए T20 फॉर्मेट में। यंगस्टर को ज्यादा से ज्यादा मौका दें, उन प्लेयर्स को ज्यादा मौका दें जो कि आपको लगता है कि 2024 में आपके लिए परफॉर्म करें, उनको बैक करें, तभी जाकर आप वर्ल्ड कप जीतेंगे और उसकी शुरुआत न्यूजीलैंड सीरीज से करनी पड़ेगी। हर एक मैच आपके लिए सीरियसली आपको लेना पड़ेगा, तभी जाकर 2024 में कुछ परिणाम बदलते हुए नजर आएंगे, अदरवाइज वहां पर भी टीम इंडिया स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी। आई होप कि श्रीकांत सर की बातें जो उन्होंने कही है उसे तमाम जो क्रिकेटर्स हैं और बोर्ड के जो लोग हैं उसे सीरियसली लेंगे और उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड सीरीज से कम नए चेहरों के साथ में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, और अगर वो ये प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो इन्हीं के साथ टीम इंडिया T20 फॉर्मेट एटलीस्ट कंटिन्यू करेगी। आपको कैसे लगी स्टोरी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।